गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू भास्कर पावर लिफ्टिंग। सो काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि फुल डे ऑफ डाइट पे बनाओ, फुल डे ऑफ डाइट पे। सो अभी मेरा कंपटीशन का टाइम चल रहा है, कुछ टाइम बाद मेरे कंपटीशन है। सो अभी मेरा बॉडी वेट भी पूरा एज पे चल रहा है। सो मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ और मेरा फुल डे ऑफ डेली रूटीन क्या है। फ़िलहाल मैं मेनटेन करने के लिए बॉडी वेट खा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोडिंग नहीं कर सकता, नहीं तो बॉडी वेट अप चला जाएगा। सो आज आपको एक चीज़ और बताऊं कि ऐसा नहीं है जो आज मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ मैं वही खाता हूं, मैं वेरिएशन करता रहता हूं। वो मैं आपको फुल डे ऑफ डाइट पे काफ़ी सारी वीडियोस बना के दूंगा, ये पहली वीडियो रहेगी हमारी। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि सुबह उठ के पहले खाली पेट मेरा क्या प्रोसीजर है। एक तो मैं सुबह उठ के पहले 2 लहसुन की तुड़की लेता हूँ गर्म पानी के साथ, और लीवर के लिए लिव केयर जो बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट मील प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर 2 हाफ फ्राई एग्स हैं एंड 6 एग वाइट का स्क्रैम्बल्ड, 6 एग वाइट स्क्रैम्बल्ड एग। सो मेरी फर्स्ट मील तैयार हो गई है, इसके अंदर 4 ब्राउन ब्रेड हैं, 2 स्क्रैम्बल्ड, 6 एग वाइट्स एंड 2 हाफ फ्राई और ऑरेंज जूस। सो मैं अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे को दूसरी मील भी प्रिपेयर करनी है। सो खाते हैं, उसके बाद दूसरी मील प्रिपेयर करते हैं। सो मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, और वीरा ब्रेकफास्ट में पूरे टाइम पास बैठी हुई, तो इसमें आलमंड दे देता हूँ, बादाम, ब्रेकफास्ट के बाद मैं 2 मल्टीविटामिन और 1 फिश ऑयल ले रहा हूँ। सो ये मेरी सेकंड मील है, अपना 3WP गोल्ड वे प्रोटीन फ्रॉम मसल माउंटेन, जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ये मेरे मिक्स फ्रूट सैलड है, बहुत ज़रूरी है खानी। आप सबको मैं एडवाइस करूँगा कि फ्रूट्स और सैलड्स फाइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं लेने, और खाने के साथ आप प्लीज़ क्या नाम से सैलड ज़रूर लें, जो बहुत ज़रूरी है फाइबर्स बॉडी के लिए, जिससे हमारा गट सिस्टम भी अच्छा रहता है और हमारा पेट भी साफ रहता है, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मसल माउंटेन की 3WP वे गोल्ड के लिए, कि ये बहुत ईजिली मिक्सअप हो जाता है और प्रोटीन की तरह हैवी नहीं है, जैसे और कंपनीज के प्रोटीन हैवी होते हैं, उसमें ब्लॉटेडनेस आ जाती है। इसे पीने के बाद आपको बहुत लाइट लगेगा और ये बहुत ही जल्दी डिजॉल्व होता है, बिकॉज इसके अंदर नॉर्मल वे प्रोटीन में कभी हाइड्रोलाइज प्रोटीन मिक्स नहीं होता,
इसके अंदर हाइड्रोलाइज प्रोटीन मिक्स कर रखा है। सो मैं दो स्कूप इसके ले रहा हूँ प्रोटीन के, और मेरे को ज़्यादा इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये हल्का सा शेक करूँगा तो ये मिक्स हो जाएगा। सो गया पीने का। चलो मैं अपनी फ्रूट सैलड खत्म करता हूँ, फिर आपको मिलते हैं लंच में, बाय। सो ये मेरा लंच है, थर्ड मील है, राइस, चिकन ब्रेस्ट, कर्ड। ये दही के अंदर मैंने शक्कर डाल रखी है, मैं चीनी नहीं खाता, शक्कर खा सकते हुए गुड़ की बनी होती है तो ये सेहत के लिए भी सही रहती है, नुकसान नहीं करती। और पुदीने की चटनी है और ये अनियन। सो मेरी लंच ख़त्म हो गया, अब इसके बाद हमने प्री वर्कआउट मील प्रिपेयर करनी है, जो मेरा सीक्रेट प्री वर्कआउट मील है जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स लोड करता हूँ। मैं वो रिवील करूँगा मैं क्या खाता हूँ ट्रेनिंग करने जाने से पहले। सो अभी मैं दही ख़त्म कर लूँ अपनी, उसके बाद हम वो प्रिपेयर करने जाएंगे। सो गाइस, मैं अपना प्री वर्कआउट मील तैयार कर रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को बोला था मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है ट्रेनिंग से पहले, और वो है चिकन पास्ता। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस मतलब पास्ता नहीं बना पाएंगे, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। मैं अभी कुछ वेजीज यूज़ कर रहा हूँ, वेजीज हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है घर का बना हुआ, एंड होल व्हीट पास्ता है जो अभी बॉईल हो रहा है। सो उस और साथ में चिकन में चिकन कीमा। सो जो वेजिटेरियन है वो मशरूम डाल सकते हैं, इसके अंदर पनीर डाल सकते हैं। सो मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाता हूँ कि बहुत सिंपल है, कैसे बनाता हूँ क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, कोई भी बना सकता है, आपको कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी। मैं शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ साथ के साथ, इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी सौते कर देंगे, उसके बाद इसमें चिकन की मैं ऐड होगा, और ये 250 ग्राम के दो पैकेट है मेरे चिकन कीमा के, तो दो पैकेट डाल दिए मैंने हाफ के जी चिकन कीमा। इसको थोड़ा सा पका लेंगे, यूज़ कर रहा हूँ शेजवान चटनी और एक ये बी शेफ की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जिसमें 0% फैट है, एंड कोई ट्रांस फैट नहीं है इसके अंदर, मतलब ज़्यादा इसके अंदर कोई फैट वगैरह नहीं है, अच्छी लगती है सॉस, क्या नाम थोड़ा टेस्ट भी बन जाता है, टमाटो का फ्लेवर आ जाता है। अगर आप चाहो सॉस नहीं यूज़ करनी तो आप टमाटो का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। सो अब इसके अंदर चिकन थोड़ा पक गया है, शेजवान चटनी सा नमक, और ये मैं नॉर्मल नमक यूज नहीं करता, लाहौरी नमक आपने सुना होगा वो यूज करता हूँ, रॉक सॉल्ट कहते हैं इसे, जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है इसमें। सो
मतलब कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली है। जैसे मैंने आपको शक्कर बताई थी कि आप चीनी की जगह शक्कर यूज कर सकते हैं। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, ये पास्ता बॉइल होने वाला है, इसको थोड़ा सा और सोते करके पास्ता इसमें ऐड कर देंगे और पास्ता तैयार है। मैं फाइनल लुक अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरा प्री वर्कआउट मील तैयार हो गया है, जैसे बता रहा मैंने चिकन पास्ता और ऑरेंज जूस। सो मैं ये जल्दी से निपटा के जिम के लिए निकलूँगा, मेरे को लोग जिम के लिए लेट हो रहा हूँ। सो जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर जिम में मिलते हैं। सो हम जिम पहुँच गए हैं और जैसे कि मैंने आज आपको अपना प्री वर्कआउट मील रिवील करा है, जिससे मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है, ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी निकलती है। ऐसे ही कार्ब्स और प्रोटीन लोड करके ही मैं आता हूँ। सो अब जिम पहुँच गए हैं, आज मेरा रैम में सेशन है बेंच प्रेस का। सो देखते हैं क्या कितनी मतलब सिंगल रैप निकालना है, 260-270 तक कहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं कितना लगता है। चलो ट्रेनिंग करने चलो। सो फ्रेंड्स, मैंने आज पीआर मारा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है हमारी। रैम में मैंने 270 केजी के सिंगल्स के 3 सेट लिए हैं और 240 केजी के 5 रैप्स। और अब ये मेरा घर जिम से आ गया हूँ, डिनर टाइम है। तो ट्रेनिंग के बाद मैंने प्रोटीन पिया था दोबारा अपने मसल माउंटेन का, और अब घर पहुँच गए, मेरी फेस बनी हुई है, थोड़े से राइस हैं और सैलड है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था सैलड बहुत ज़रूरी है खाने के लिए। सो जल्दी से खाना खाता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। सो गुड नाइट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और डाइट पे भी मैं वेरिएशन दूंगा, जो भी आप लोग चाहते हैं कुछ नया मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ। सो गुड नाइट आज के लिए, बाय। मैं खाना खा लूँ।